गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के बाद धुएं का उबार उठने लगा, जिस कारण पूरा इलाका अंधेरे में तब्दील हो गया। आग की लपेटें इतनी विकराल और तेज थी कि अगल बगल के घर आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर लगभग 3 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलीगंज सेक्टर एल कुर्सी रोड पर मकानों के बीचों बीच एक खाली प्लाट में रुई के गोदाम अवैध तरीकों से संचालित था। रुई गोदाम के मालिक का नाम निजामुद्दीन निवासी अमरोहा है। विगत 5 सालों में किराए पर यह गोदाम संचालित है। रजाइयों और गद्दों में रुई भरने का काम होता है। आज सुबह निजामुद्दीन की सोते सोते जब आग खुली तो देखा कि गोदाम में आग लगी है और उस समय गोदाम में निजामुद्दीन के साथ 4 काम करने वाले लोग मौजूद थे। वहीं मौके पर मौजूद CFO हजरतगंज अभय महान पांडे ने बताया कि रुई और कबाड़ के गोडाउन में आग लगी थी, जो कि रिहायशी इलाकों में था और आग की स्थिति काफ़ी गंभीर थी। आग ने चपेट में एक घर को भी ले लिया और मौके पर मौजूद 8 से 10 दमकल की गाड़ियों ने 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया।